दोस्तों, गर्मियों के मौसम में कटहल हर कोई खाना पसंद करता है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। पके कटहल में प्रोटीन भी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम हृदय संबंधी समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। कटहल आपके लिवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कटहल खाने से आपकी सेहत को और कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसके सभी बेनिफिट्स को जान लेते हैं। नंबर वन, कटहल में विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर को संक्रमणों से लड़ने में सक्षम बनाता है और सर्दी खांसी जैसी सामान्य बीमारियों से बचाता है। नंबर टू, कटहल में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को सही रखता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है और आंतों को स्वस्थ बनाए रखता है। नंबर थ्री, कटहल में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हृदय को स्वस्थ रखता है और दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है। नंबर फोर, कटहल में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, इससे यह वजन घटाने के लिए एक आदर्श भोजन बन जाता है। यह भूख को नियंत्रित करता है और अधिक खाने से बचाता है। नंबर फाइव, कटहल में मैग्नीशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह हड्डियों के विकारों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करता है। नंबर सिक्स, कटहल में विटामिन ए और सी की उच्च मात्रा होती है जो त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखता है और बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। नंबर सेवन, कटहल में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा होती है जो शरीर में मुक्त कणों को नष्ट करते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। नंबर एट, कटहल का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। नंबर नाइन, कटहल में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दृष्टि को सुधारने में मदद करता है और रात्रि अंधापन जैसी समस्याओं से बचाता है। साथ ही दोस्तों, इसके उपयोग का तरीका भी जान लेते हैं। कटहल को कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। इसे कच्चा, पका हुआ या पकाकर खाया जा सकता है। यह सब्जी, करी और मिठाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके बीज भी खाद्य होते हैं और इन्हें भूनकर या उबालकर खाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।